प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी, उसमें जो लोग साथ में आकर पार्टी बना रहे होंगे, एक ईंट उनकी होगी, एक ईंट मेरी भी होगी। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो मेरी पार्टी है, मैं उसका चेहरा हूँ, मैं उसका अध्यक्ष हो जाऊँगा और मैं ही उस पार्टी का सर्वे सर्वा हो जाऊँगा। मैंने जैसा आपको पहले बताया, अगले तीन चार महीनों में ये जो 17-18 हज़ार लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, इनमें से जो लोग भी जन सुराज की परिकल्पना से, जो लोग भी बिहार के लिए जो हम सोचते हैं या जो उनकी सोच है, अगर हम लोग उसको अलाइन कर पाए और वो साथ में आकर अगर तय करते हैं कि हम सबको पार्टी बनाने की या किसी तरह की एक संगठन या मंच को बनाने की जरूरत है, उस समय वो कॉल लिया जाएगा। देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार देश के सबसे गौरवशाली अतीत वाले राज्यों में एक है। जिस राज्य से गौतम बुद्ध, जैन, महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक यहाँ से निकले हैं, उस राज्य में स्थिति आज ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, हेल्थ ध्वस्त है, रोजगार का कोई संभावना नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर है, ये मेरा नहीं आकलन है, ये भारत सरकार के डेटा है, भारत सरकार ने ये बताया है। और जिनकी सरकार आज बिहार में है, उनकी ही सरकार देश में है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि ये विपक्ष की सरकार दिल्ली में है इसलिए वो गलत डेटा दे रहे हैं। अब नीतीश जी से मैंने एक कोई प्रेस वार्ता उनकी देखी, नीति आयोग पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, अरे इनको कुछ पता है, संभव है कि किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बिहार के लोगों को ये जरूर पता है कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, हेल्थ की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, बिहार के हजारों लाखों लड़के यहाँ से बाहर जाकर सबसे कठिन और दुरूह परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हैं। कांग्रेस के साथ आपकी बैठकें चली, कहा मिस हुआ कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस में बात हुई? नहीं, कांग्रेस को लेकर जो बात हुई है उसको मैंने ऑन रिकॉर्ड भी कहा है। जहाँ तक कांग्रेस के साथ उनके मौजूदा स्थिति के असेसमेंट का सवाल है, उन्होंने जो संजीदगी और सीरियसनेस जो उनको दिखाना चाहिए था उन्होंने दिखाया, उन्होंने कमेटी बनाई, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप साथ में बैठी, उन्होंने जो मैंने उनको दिखाया या जो मेरी सोच के अनुसार मैंने उनको बताया उससे उनकी पूरी सहमति थी। उसके बाद जो इस चीज़ को करने के लिए रास्ते बताए गए उस पर भी गहन चर्चा के बाद एक सहमति बनी कि इन रास्तों पर चलकर बेहतरी हो सकती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने की जो बात है उसके लिए उनके मन में एक परिकल्पना है इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप की। वो चाहते थे कि मैं उस इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में ज्वाइन करके एक मेंबर के तौर पे उस जिम्मेवारी को निभाऊं। मेरा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है वो इतना ही रहा है कि इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप विल बी फॉर्म्ड विद एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाए हुए किसी ग्रुप के पास इतनी ताकत, इतनी सैंक्शन नहीं होगी जो कि कांग्रेस में आमूल चूल परिवर्तन को लंबे समय में लागू कर सके, क्योंकि कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कांग्रेस को चलाने के लिए पहले से व्यवस्था बनाई गई है। उसमें अगर आप कोई बाहर से ग्रुप बना देंगे और उसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरा सैंक्शन नहीं होगा तो आगे के काम करने में विरोधाभास हो सकता है और वो चीज़ काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बात में कुछ सही बातें पाई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं उसमें जुड़कर कुछ ऐड नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उसको हम्बली मना कर दिया। आपकी बातों पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि आप ही थे जिन्होंने कहा कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है और फिर मिडवे में आप छोड़ के चले गए और आप आज आरटीडी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उस अलायंस में आप उसके आर्किटेक्ट भी थे। दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी के पीछे भी आप ही थे कि आपकी बार मोदी सरकार। मेरा ये कहना है कि बिहार की जनता आपकी बातों पर कितना भरोसा करे, क्योंकि आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड ये भी रहा है कि
मिड वे में उस कैंपेन को छोड़ के चले जाना भी आप तृणमूल के साथ थे, बहुत सारे लोगों को आपने नेताओं को अलग अलग राज्यों में लाया और उनको लगता है कि उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। दूसरा एक बिहार के कंटेक्स्ट में पूछना है कि एक ऑफ एंड ऑन आपका और नीतीश कुमार का लव एंड जो भी रिलेशन चलता रहता है, क्या कोई मिलने मुलाकात की बात थी और उसका क्या भविष्य है आपका और नीतीश कुमार का? क्योंकि अभी भी लोगों को ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बेसिकली उनके लिए आप स्टंपिंग कर रहे हैं, उनकी उनका जो भी आपकी कैरियर सिचुएशन है जीता भी उनके एलाइज वो आपके कैंपेन से उनको एक बूस्ट मिलेगा। देखिए जहाँ तक पहली बात का जवाब है, आपने ठीक कहा, जो मेरा जो भी मैंने काम 10 वर्ष किया अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं के साथ काम किया, तो स्वाभाविक है कि आप या जो लोग भी इसको देखना या मुझे जज करना चाहते हैं वो उसी के आधार पर जज करेंगे। तो मुझे आप ये कोई कहने में गुरेज नहीं है कि अगर कुछ लोगों को यकीन नहीं है तो मुझे उसके लिए और बेहतर प्रयास करने की ज़रूरत है। मैं आने वाले समय में अपने कार्यों से, अपने कंडक्ट से, अपनी मेहनत से वो दिखाऊंगा और उनका विश्वास जीतने का प्रयास करूंगा। अगर आज उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शक है या जिनको डाउट है कि ये कितने सीरियस हैं, मैं उनसे इतना ही कह सकता हूं कि साहब आप हमें टाइम दीजिए। जैसे आपने मुझे पिछले रोल में काम करते हुए देखा है, जिस दिन मैंने वो काम शुरू किया होगा तब कईयों को ये डाउट होगा कि भाई वो काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। 10 वर्ष उसको करके दिखाया, तो आप आज आप मान रहे हैं कि थोड़ी बहुत इलेक्शन को मैनेज करने या लड़ने लड़ाने की क्षमता या समझ मुझ में है। मेरा आपसे आग्रह आपके माध्यम से ये है कि जिन लोगों को भी इस तरह के डाउट है, आप बेशक आपका वो राइट है, आप वो डाउट रखिए, लेकिन मुझे मौका तो दीजिए करने का। जहाँ तक दूसरी बात है नीतीश कुमार जी का, भाई नीतीश कुमार जी के साथ मैंने 2015 में काम किया है महागठबंधन में, ये सबकी जग जाहिर बात है। और नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत तौर पे मेरा कोई झगड़ा नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे जो मेरा नीतीश कुमार से रिलेशन है वो भी उसमें कोई हिचक नहीं है मुझे मानने में कि मेरा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन व्यक्तिगत रिलेशन होना एक बात है और साथ में काम करना या उस पर सहमति होना वो दूसरी बात है। कुछ दिन पहले नीतीश जी दिल्ली आए और उनके कोविड होने के बाद वो पहली बार दिल्ली आ रहे थे, तो मैं उनके घर गया, उनके साथ खाना भी खाया, कई लोगों ने कई तरह की बातें उसमें कही। कोई किसी ने बताया कि मैं उनको प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं जदयू ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। जितने वो स्पेकुलेशन की गई वो सब गलत साबित हुआ। देखिए सामाजिक राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत शिष्टाचार उससे हम विमुख नहीं हो सकते हैं। अब कल अगर नीतीश जी बुलाएंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जाना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों ने हर बात पे अपनी सहमति बना ली है या साथ में काम करने को तय किया है। प्रसाद जी, 17,000 लोगों से जो बात की आपने जी, 17,000 लोगों से संपर्क करेंगे? करेंगे नहीं साहब, 17,500 लोग ऐसे हैं जो हम लोग के संपर्क में अभी हैं। उसके बाद आप पार्टी बनाएंगे या चुनाव लड़ेंगे? मैंने जो आपको कहा कि ये 17,500 लोग पिछले 4-5 महीनों में मेरे साथियों के माध्यम से मेरे संपर्क में है, वो व्यक्तिगत तौर पे जब मैं उनमें से ज़्यादातर लोगों से मैं जब तक व्यक्तिगत तौर पे नहीं मिल लेता हूँ और उनकी सोच क्या है, अगर वो सब मिलके या उनमें से ज़्यादातर लोग मिलकर जनसुराज की जो परिकल्पना है, जो बिहार में गुड गवर्नेंस की और जनता के गुड गवर्नेंस की जो बात कह रहे हैं हम लोग, अगर उसमें सबकी सहमति होती है और उसमें भागीदार बनकर लोग कहते हैं कि पार्टी बनाने की ज़रूरत है, तो मैं भी उस पार्टी में एक मेंबर के तौर पर आप मुझे देख सकते हैं। सॉरी सर, जी साहब, 2 मई 2021 को जिस दिन बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए, उस दिन मैंने पब्लिकली इस बात की घोषणा करी है कि मैं जो काम पहले करता था वो आगे नहीं करूंगा। ये अलग बात है कि आप या आप में से कई ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। एक साल मैंने समय लिया है ये सोचने के लिए कि आगे जीवन में क्या करूँ, और एक साल सोचने के बाद फिर से वापस बिहार आया हूँ और जो बात मैंने 2020 में कही थी
मूल रूप से उसी बात को पुनर्जीवित कर रहा हूं, उसी बात के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाते हुए आपको बता रहा हूं कि आने वाले कई साल तक आप मुझे बिहार में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में ही देखेंगे। आईपैक संस्था के तौर पर दे हैव एनफ पीपल, दे माय कॉलीग्स हु हैव वर्क विथ मी, दे आर फार मोर कैपेबल देन मी। आई हैव सेड इट बिफोर एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आईपैक इज इन गुड हैंड्स, दे विल कंटिन्यू टू वर्क ऑल where they get the opportunity to work. मेरा उनसे कोई direct relation, working relation अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं है।